पार्श्वनी घोघरा महादेव यात्रा में महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों श्रद्धालु पेज नदी में विराजमान शिव जी के दर्शन करने पहुंचे, जहां महाशिवरात्रि के पहले दिन ही श्रद्धालु की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे। शनिवार की सुबह मंदिर प्रशासन ने भगवान शिव जी की विविध पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। सुबह से ही पेच नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालु आए थे। भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ। देखते ही देखते हजारों की संख्या में श्रद्धालु घोघरा महादेव शिव जी के दर्शन करने के लिए छोटे बड़े, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग हजारों की संख्या में आए थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रा में किसी प्रकार अनुचित घटना ना हो इसलिए पहले से ही तैयारियां की गई थी। आने वाले दर्शनार्थियों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अनेकों मुसीबतों को पार करना पड़ा, जहां वाहनों की आगमन से रास्ते में घंटों का जाम लगा रहा। वाहनों की लंबी लंबी कतारें रास्ते पर होने से पैदल सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिससे पुलिस कर्मचारियों को बड़ी मशक्कत कर वाहनों का लगा जाम सुचारू करने के लिए घंटों परिश्रम करना पड़ा। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था करने पर भी वाहन रखने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते बहुत से दर्शनार्थी बिना दर्शन कर वापस ही लौट गए। भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी। यात्रा स्थल पर अनेकों खाने पीने, खेल कूद की दुकानें लगी होने से यहाँ आए श्रद्धालु बड़ी संख्या में खरीदारी करते दिखे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसलिए प्रशासन द्वारा यात्रा स्थल पर CCTV कैमरे लगा दिए गए थे। वहीं परिशिवनी पुलिस विभाग की ओर से यात्रा स्थल पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। महाशिवरात्रि के पहले ही दिन भगवान भोलेनाथ 1,00,000 दर्शनार्थियों ने दर्शन किए, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के अनेकों स्थल पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया, जबकि हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर घोघरा महादेव स्थल पर भगवान शिव जी के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने का अनुमान प्रशासन द्वारा लगाया जाता है। फिर भी आने वाले श्रद्धालुओं को हर साल परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बीच रास्ते में ही वाहनों का जाम लगना, वाहनों की पार्किंग, शुद्ध जल वितरण की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। इस ओर विधायक ने ध्यान देना जरूरी होगा। सर्व शांतता कमिटी, मोहल्ला कमिटी, पोलीस पाटील, तसं गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती यांच्या संयुक्तमाने आपण एक या यात्रा का जे महाशिवरात्र आहे या अनुषंगाने आपण एक बैठक बोलवली होती। त्याच्या अनुषंगाने आपण सर्व विभागांना पत्रव्यवहार केला होता। तसेच सदर ठिकाणी येणारे जे भाविक आहेत यांच्यासाठी जो जाण्याचा येण्याचा रस्ता आहे, पार्किंग करता CCTV कॅमेरे, त्याच्यानंतर लहान मुलं असतील किंवा त्यांचे आणलेले गाडे असतील यासाठी काय चांगल्या प्रकारे व्यवस्था करता येईल ते आपण व्यवस्था केलेली आहे। तरी यावेळेस गर्दी एवढी वाढलेली जी शक्यता होती की भाविक भक्त कमी येतील, पण मात्र अंदाजानुसार 1,00,000 भाविक भक्त इथे आलेले आहेत। वाहतुकी जी कोंडी झालेली आहे, वाहतूक किसकी झाली होती, यासाठी आपण काय उद्याला दिवसात काय बोलू आपण म्हणताय ते बरोबर आहे। कारण काय रस्ता जो आहे छोटा आणि अरुंद रस्ता आहे, एक मोठी गाडी गेल्यानंतर खूप अडचण येते। आणि आपण जी कंपनी आहे BDA कंपनी या ठिकाणी बॅरिकेडिंग केलं होतं, विविध ठिकाणी आपण पार्किंगची व्यवस्था केली होती, परंतु एखादं वाहन गेलं आणि पायी जाणारे लोक गर्दी पाहता एकंदरीत तरी त्या मानाने इतकी का अशी ट्रॅफिक जाम झालेली नाही आहे। सर्व ठिकाणी आपण पोलीस स्टाफ लावलेला आहे। तालुक्यातील घोघरा महादेव व्यवस्था अतिशय प्रसिद्ध आहे। या देवस्थानामध्ये प्रत्येक वर्षी लाखोच्या संख्येने भाविक भक्त येतात, दर्शन करतात आणि आपल्या मनोकामना इथे व्यक्त करून शिवजीचे आराधन करतात। तर आज या महाशिवरात्रीला या घोघरा महादेव स्थळावर मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्तांची गर्दी झालेली आहे। आपण पाहू शकता की या स्थळावर या नदी पात्रामध्ये मोठी मोठी दुकाने लागली आहेत, त्या दुकानामध्ये भाविक भक्त खरेदी करून आणि मग या दर्शनासाठी या मंदिरामध्ये जातात। आशा होती प्रशासनाला की कमीत कमी लोक येतील, पण त्या आशेने अनुरूप ते न होता आज 1,00,000 वर भाविक भक्त येऊन गेलेले आहेत, दर्शन करून घेतले आहेत। पहिलाच दिवस होता, तरीही प्रशासनाची पोलखोल झालेली असे दिसून येत आहे। त्यांनी केलेली व्यवस्था ही कमी पडलेली आहे, त्यामुळे दर्शनार्थींना दर्शन घेण्यासाठी खूप मोठा त्रास होतो आहे। NBCN न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।